आरक्षक पर हुआ प्राणघातक हमला, घायल अवस्था में ले जाया गया अस्पताल, आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। क्या गलती कर दिया से हूँ मैं, और जो मारे उनकी भी ले लिए हो। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश की रीवा से है। रीवा की समान थाना अंतर्गत पीटीएस चौराहे के पास एक आरक्षक को बदमाशों ने बेवजह मारपीट कर घायल कर दिया। आरक्षक पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस शाखा में पदस्थ है और सिविल कपड़े में अपने निजी कार्य के लिए निकला था। आरक्षक पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस शाखा में पदस्थ है और सिविल कपड़े में अपने निजी कार्य के लिए घर से निकला था। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और उसका उपचार कराया। उठाओ इनको। पूछो इनसे क्या हुआ। हमारे तो बहुत है, देखिए ना पूरा मूड। वही पुलिस पूरी घटना की जांच सहित आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए, घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि आरक्षक सब्जी खरीदने गया था, जहां वाहन किनारे करने को लेकर दो लोगों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घायल आरक्षक को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने डिस्चार्ज कर दिया है। एक आरक्षक जो कि सीसीटीएनएस शाखा में पदस्थ है ऑफिस में, उसके साथ मारपीट की है दो लोगों ने, और जिसमें अभी उसमें एफआईआर वगैरह किया जा रहा है आरक्षक की तरफ से, और उसमें जैसा पाया जाएगा वो वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तक ये पता चल रहा है कि वहीं पे तत्कालिक एक विवाद हुआ था और जिसकी वजह से इन दोनों लोगों ने आरक्षक के साथ मारपीट किया। विवाद का कारण था कि आरक्षक ने जो आरोपी है उसकी गाड़ी को साइड करने के लिए बोला था, और शायद उसी बीच में कुछ हुआ है। उसके बाद जब आरक्षक अपना गाड़ी रोक के सब्जी खरीद रहा था तो उसके साथ उसमें मारपीट की गई थी, और आरक्षक उस समय क्योंकि ऑफिस में था और सिविल में था और अपने पर्सनल काम से वहाँ पर गया हुआ था। बिल्कुल आरोपियों की पहचान हो गई है और वो सारी चीज़ें एफ आई आर में आ रही है जी। घटना ये पीटर चौराहे के पास की। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।